न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं कुछ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और गांधी परिवार की कड़ी शीला दीक्षित अभी दुनिया में नहीं है। शीला दीक्षित का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शीला दीक्षित की दिल्ली में आज मृत्यु हो गई। बीते काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी और आज सुबह दिल्ली के स्पॉट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि उन्हें उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शीला दीक्षित फिलहाल दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थी और उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। शीला दीक्षित सन 1998 से 2013 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। वहीं उनके नेतृत्व में लगातार टीम और कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार बनाई। आपको बता दें शीला सबसे लंबे समय 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। कांग्रेस की कद्दावर नेता रही शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। बता दें उन्होंने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से पढ़ाई की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। शीला दीक्षित साल 1984 से 1989 तक उत्तर प्रदेश के करनौल से सांसद रहे। वहीं बतौर सांसद वो लोकसभा की असिस्टमेंट कमेटी का हिस्सा भी रहे। शीला दीक्षित को दिल्ली का चेहरा बदलने का श्रेय दिया जाता है। वहीं उनके कार्यकाल में दिल्ली में विभिन्न विकास कार्य हुए। वहीं नितिन गडकरी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।